हेलो नीट के प्राणियों। तो दोस्तों सुनो, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नवंबर में आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि नीट 2019 के लिए काफ़ी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको स्ट्रेटजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी पीक पे है और बिना स्ट्रेटजी के कुछ नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को पूरा देखना और उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और अगर रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल रंग का बटन, और कमेंट जरूर करना, कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि नवंबर में अभी दिवाली है, तो दिवाली वाली वीडियो जरूर देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखी है। यानी दिवाली के टाइम अगर आपको बहुत ही प्रीशियस टाइम मिल रहा है वो, और वो प्रीशियस टाइम आपने बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वही ऐसा फेस होता है जिसमें आदमी उठता है और आदमी का डाउनफॉल भी आ जाता है। तो अगर उस मौके पे आप पूरा रिवीजन ले तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल बैकलॉग जो आपका रह गया है, जो पीछे का है, उसको पूरा कवर कर लें। और उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि आप अभी तक धीमे धीमे चल रहे थे, बट अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने जो सिलेबस है उसको छोड़ते जाएं, स्पीड बढ़ाने का ये मतलब होता है कि आप अपना टाइम एक्सीड करें पढ़ने का। देखिए 3 या 4 घंटे सोएं कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बार नीट निकल जाएगा उसके बाद जो आप ऐश लेंगे कोई भी नहीं ले पाएगा, इतनी खुशी आपको होगी ना, क्योंकि मेहनत का जब फल मिलता है ना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो आप लोग ये बात पहले समझ लीजिए कि आपको जितना टाइम यूटिलाइज करना है अपने रिवीजन पे लगाएंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद आप फुल सिलेबस का रिवीजन लगाएंगे। अभी आपके हाफ सिलेबस हुआ है और हाफ सिलेबस का रिवीजन लगाना बहुत पॉसिबल सा है और बहुत ईजी रहेगा। देखिए अगर अभी रिवीजन लगा लेंगे तो बाद में टेंशन नहीं रहेगी, तो मेरी ये बात मान लो। और थोड़ा सा आपको टाइम एक्सीड करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी से क्वेश्चन लगाएंगे तो आदत अब बन जाएगी। और ये आपको टारगेट ले लेना है कि जनवरी एंड तक आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, नहीं तो फरवरी तक, तो आप फरवरी मिड तक या फरवरी 10 तक आपको पूरा करना ही करना है ऑन एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर इससे बाद में होता तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि एक महीना हम लोगों ने देना है नीट में सिर्फ और सिर्फ MCQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दबा के करने हैं, और बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है वो बार बार आता है, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए तो देखिए पहली चीज़ आपको अभी पहले मैंने बता दी है कि रिवीजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मिल रहा है, बहुत ही प्रीशियस टाइम मिल रहा है दिवाली का। देखिए जो गलती हमने करी है मैं नहीं चाहता कि आगे से कोई करे, तो आप लोगों के आगे ये है कि आप लोगों को पास बताने वाला मैं हूँ कि ये गलती मत करो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर में दिवाली ब्रेक मिल रहा है, इसमें पिछला रिवाइज कर लो, क्योंकि फुल सिलेबस आप जाके अब जनवरी के बाद रिवाइज करेंगे तो अभी हाफ सिलेबस कर लेंगे तो आपकी टेंशन आधी आधी निकल जाएगी। और दूसरा MCQs जो लोग नहीं लगाते हैं अब MCQs लगाना शुरू कर दो। यानी फिजिक्स में देखिए मेरे से काफ़ी लोग कहते हैं 50 लगाएं दिन के, 100 लगाएं, नहीं, 30 क्वेश्चन सफिशियंट है और 30 के 30 प्रीवियस ईयर लगाइए। और क्योंकि कंसेप्ट बार बार घूम के आता है, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक जो कर रहा है सिर्फ प्रीवियस लगाइए। अभी केमिस्ट्री की वीडियो आज या कल में आ जाएगी जिसमें डिटेलिंग, जैसे मैंने फिजिक्स की वीडियो बनाई थी डिटेलिंग, और लिंक दे दूंगा वो देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखी, और केमिस्ट्री की भी ऐसी बताऊंगा। तो बिल्कुल MCQs अब ध्यान से। देखिए बायोलॉजी के लिए अभी आपको बाद में बहुत टाइम मिलना है, बायोलॉजी के लिए अभी इतना नहीं कहूँगा, बट अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स को जितना हो सके ध्यान दे, क्योंकि एंड में बायोलॉजी पे ध्यान देना है। अभी तो मेरे ख्याल से साफ सब लोग क्या कहते हैं सब कुछ इक्वल लेके दे रहे होंगे, बट एंड में बायोलॉजी आप पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, बायोलॉजी में और बायोलॉजी के क्वेश्चन में, क्योंकि क्या होता है बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मैक्सिमम स्कोर लेके चलता है। अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा थोड़ा सा प्रिफरेंस दे सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं कि बायोलॉजी करे नहीं, अभी सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप बाद में भी करेंगे ना तो हैंडल हो जाएगा, अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स के करते जाइए। और एंड में हम थोड़ा बायोलॉजी को ज्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि स्कोरिंग वही रहता है, सेफ साइड अपनी लेके चलनी होती है। तो ये रही आपकी नवंबर की स्ट्रेटेजी। अब आपको नवंबर में डिसाइड करना है आपको क्या करना चाहिए। मैंने तो अपना पूरा बता दिया कि आपको ये करना चाहिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। और दोस्तों देखिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, नीट जिस दिन क्रैक हो गया ना बल्ले बल्ले आपकी होगी बस। और केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी वीडियो में आज या कल 100% ले आऊँगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा आता है और कौन से कंसेप्ट बार बार आते हैं। क्यों मैं पागलों की तरह आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर करो करो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमें एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ, और मैं अगली वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मैं आखिर क्यों बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर करना चाहिए करना चाहिए, और आप देखना खुश हो जाएंगे एकदम। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सॉलिड बस पढ़ते जाओ, टेंशन देने का लेने का नहीं, बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जब तक आपका पेपर नहीं होता कोई डाउन फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस।
ये सोच लो और लगे रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीट के दोस्तों मेरे, तो अच्छे से पढ़ो और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना कमेंट सेशन में, मैं जितना हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं रोज़ अब कंटिन्यूसली जैसे लाइव सेशन रखूँगा क्योंकि आप लोगों का थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।